में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री में दो लेक्चर हो गए थे, आज ही इसका तीसरा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर में, दो लेक्चर में पुर्तगाली पढ़ लिया हम लोगों ने, डच पढ़ लिया, और आज अंग्रेज पढ़ना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अंग्रेज होगा, स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जो हमारे पास डेट है 31 दिसंबर 1600। देखिए, अगर इंग्लैंड की बात करते हैं या अंग्रेज का है, हम लोग यहां पे ज्यादा बेटर होगा। ठीक, तो उसमें जो इंग्लैंड की महारानी थी वो थी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए एक अनुमति पत्र प्रदान किया 15 वर्ष के पूर्वी देशों के साथ। यानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों तक, ठीक, एक अनुमति पत्र प्रदान किया। उस अनुमति मिलने के बाद जो है 31 दिसंबर 1600, ध्यान रखिएगा, बताया था अंग्रेज भारत आने से पहले अपनी कंपनी स्थापित कर चुके थे। तो 31 दिसंबर 1600 को लंदन, ध्यान रखिएगा प्लीज, लंदन में। लेकिन उस समय कंपनी का नाम, हम लोग अभी दो चीजें यहां ध्यान रखिए, पहले समझते हैं, कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद, हम सीधा थोड़ा डेट बीच में मिस होगी तो उसे समझिएगा। एक ये डेट तो हमारे पास 31 दिसंबर 1600, दूसरी डेट आती है 1688 में भारत में न्यू इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। क्या की गई, 1688 में न्यू इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फिर इसके बाद क्या कर दिया गया, 1708 की डेट है, जो पुरानी कंपनी थी, ठीक, इस कंपनी को और इस कंपनी दोनों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, दोनों कंपनी का मिला दिया गया और 1835 में इसे क्या नाम दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। विलय करने के पश्चात इसे अब क्या नाम दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हमसे जो अभी अदर कमीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर उसमें, तो वह पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिए वहां पे हमें क्या लगाना होता है, 31 दिसंबर 1600। लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज को, समझेंगे क्वेश्चन जैसे ऑप्शन वैसे करेंगे। उस समय नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1688 में से क्या, भारत में एक न्यू इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1708 में पुरानी कंपनी में इसका विलय कर दिया गया, यानी दोनों का क्या हो गया, विलय हो गया। और 1833 में इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहां पे एलिजाबेथ प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों के लिए, एलिजाबेथ प्रथम कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति यहां पे ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं, 1605 में कैप्टन हॉकिंस जो है भारत के लिए निकला, 1605 में कैप्टन हॉकिंस भारत के लिए निकला, और उसे आते हुए लगभग 3 साल लगे, भारत पहुंचते हुए उसे 3 साल लगे। और जब वहां से उस समय निकला था तो वहां के राजा जेम्स फर्स्ट का, 1605 में अगर बात करते हैं मुगल में तो अकबर का शासन था, ठीक, तो अकबर के नाम पे एक पत्र लेके आया था जिसमें व्यापारिक अनुमति की बात थी, एक पत्र लेके आया था। लेकिन उसे पहुंचते पहुंचते 3 साल लग गए, 1605 में निकला और 1608 में पहुंचा। जब वहां पे पहुंचा तो अकबर का शासन तो खत्म, अगर आप देखते हैं तो उस समय उसके जस्ट बाद जहांगीर आ जाता है, तो अब अकबर है नहीं तो जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा। तो यही बात है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से, ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से किसके दरबार में पहुंचा, अकबर तो था नहीं, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। लेकिन जो पत्र था वो किसके नाम पे था, अकबर के नाम पे, ठीक, किसका पत्र था, जेम्स फर्स्ट का पत्र था अकबर के नाम पे, उसके दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी, ध्यान रखिएगा किसको, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी और उपहार स्वरूप 400 मनसब प्रदान किए। ठीक है, ध्यान रखना है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर, जो अकबर के नाम पे लिखा गया था, लेकिन अब अकबर का शासन नहीं बल्कि जहांगीर आ गया था, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने इसे क्या, इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 मनसब भी प्रदान किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी बनाई, सूरत में पहली फैक्ट्री। लेकिन ध्यान रखिएगा,
1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की जा चुकी थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये चीज भी पूछ लेता है। वैसे तो मसूलीपट्टनम 1613 पहले फैक्ट्री, लेकिन ऑप्शन में अगर सूरत, अगर ऑप्शन मसूलीपट्टनम होता है 1611, तो ये भी ध्यान यहां से रखेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा 1613 सूरत में पहले फैक्ट्री, और 1611 अगर बात करें मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर चुकी थी। 1632 में क्या हुआ था, अंग्रेजों को भारत में अनेक व्यापारिक छूटें प्रदान की गई। 1632 में अंग्रेजों को भारत में अनेक व्यापारिक छूटें प्रदान की गई, इसी को कहा गया गोल्डन फरमान। जो अनेक व्यापारिक छूटें प्रदान की गई थी, इसी को क्या कहा गया, गोल्डन फरमान कहा जाता है। ठीक, 1639 में फ्रांसिस डे ने किसकी स्थापना की, मद्रास की स्थापना की, जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक, मद्रास भी प्रेसिडेंसियों में से एक है। तो 1639 में फ्रांसिस डे ने किसकी स्थापना की, मद्रास की स्थापना की। ठीक, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका विवाह अंग्रेज राजकुमार के साथ हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह अंग्रेज राजकुमार के साथ हुआ, और पुर्तगालियों ने जो है अंग्रेज को, उस अंग्रेज राजकुमार को दहेज स्वरूप बंबई प्रदान किया। ठीक, दहेज मुंबई में अंग्रेजों को नहीं मिला, बल्कि जिसकी शादी हुई थी उसे मिला, वो भी एक अंग्रेज ही था। ठीक, उसको मिल गया। अब उसको मिल गया, वो करे क्या मुंबई का। तो 7 साल बाद यानी 1668 में उसने क्या किया, ईस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम हम लोग जान रहे हैं, उस कंपनी को क्या दे दिया, मुंबई दे दिया। लो भैया अपना जो करना है करो। तो आज जो बॉम्बे या मुंबई एक टापू हुआ करता था, इतना जो विकसित है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दे, बहुत सारी चीजें भारत में ऐसी जो अंग्रेजों को देना, चाहे उसमें रेलवे की बात करें या और भी चीजें हैं, तो यहाँ पे भी जो बॉम्बे इतना विकसित है, अंग्रेजों के देने। और कंपनी को कब मिला, 1668 में, विवाह कब हुआ था, 1661 में, लगभग 7 साल बाद ये कंपनी को प्राप्त हुआ। ठीक, इतनी बात के बाद आगे बढ़ते हैं। 1690 ईस्वी में 3 अलग अलग प्लेसों को, स्थानों को, जिसमें गोविंदपुर, कालीकाता और सुल्तानाती, ये 3 प्लेस थे। इन तीनों प्लेसों को मिलाकर 1690 में किसकी स्थापना की गई, कलकत्ता की स्थापना की गई। 1698 की बात करते हैं, 1698 में यही कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, और 1700 ईस्वी में इसे क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंसी बना दिया गया। अगर आज उस समय बात करते हैं, जहां 3 प्रेसिडेंसियां जो थी, कलकत्ता, अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, सबसे पहले यहीं पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए वो आगे हम बात करेंगे, इतना थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, 31 दिसंबर 1600 लंदन में, लंदन की बात करते हैं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये ध्यान रखना है। फिर 1688 ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया कंपनी, 1708 में इसका विलय कर दिया गया, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। ठीक है, और यहां से अगर बात करते हैं, 1608 में कैप्टन हॉकिंस हिटर नामक जहाज से भारत आया, जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर, किसके नाम पर, अकबर के नाम पर लिखा पत्र। लेकिन अकबर का शासन तो था नहीं, क्योंकि उसको निकले 1605 में, उस समय था अकबर, इसके आते आते 3 साल लग गए, और यहां पर शासन किसका हो गया, जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहांगीर ने इसे स्वागत किया, और साथ साथ जो है इसको एक नाम दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दी, और 400 रुपए का मनसब प्रदान किया। 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1611 ईस्वी में इससे पहले, 13 से पहले 11 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की जा चुकी थी। 1632 में अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक छूटे प्रदान की गई, जिसको गोल्डन फरमान कहा गया। 1639 में, इसके 39 की बात करते हैं, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी और अंग्रेज राजकुमार का विवाह हुआ, और दहेज में क्या मिला इनको, बंबई मिला, और 7 साल बाद इसी बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं, यह कंपनी को दे दिया गया, और कंपनी इसका विकास का कार्य कंपनी इसको देख रही थी। 1690 में कलकत्ता 3 अलग अलग प्लेसों को मिलाकर, गोविंदपुर, कालीकाता और सुल्तानाती को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई। 1698 में यही कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, और 1700 ईस्वी में से क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंसी बना दिया गया। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचा हुआ, उसकी बात करते हैं आगे।
चलिए अब 1717 में पहुंचते हैं, मे बी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिएगा। चलिए 1717 में क्या हुआ, जॉन शर्मन एक अंग्रेज था, इसके नेतृत्व में एक अभियान, कई सारे लोग जो है भारत आए थे, जॉन शर्मन के साथ बहुत सारे लोग भारत आए, और भारत आने वालों में उसमें एक जो है डॉक्टर भी था, ठीक है, हैमिल्टन नामक उसमें एक डॉक्टर भी था, साथ में डॉक्टर भी आया था, ठीक। अब उस समय अगर बात करते हैं फुरुक्सियर का शासन था, अगर इस समय तक हम लोग पहुंचे 1717 फुरुक्सियर, इस समय फुरुक्सियर क्या था, बीमार था, ध्यान रखिएगा। तो इस डॉक्टर ने क्या किया, ये जो डॉक्टर था, इस डॉक्टर ने इसका क्या किया, इलाज किया। अब जब डॉक्टर इलाज किया, ठीक हो गया, ये खुश हुआ, खुश होने के बाद क्या कर दिया गया, 3000 रुपए के बदले, 3000 रुपए लिए, ठीक है, 3000 के बदले कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, 3000 रुपए ले लिए और कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, इसी को क्या कहा जाता है, तीन हजार रुपए के बदले कंपनी को जो है पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, और इसी ही कहा जाता है एक नाम दिया गया था, शिलालेख बोलते हैं अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग यहां पे, कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा, कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा को उसे हिंदी में शिलालेख बोलते हैं, लेकिन यहां यही वर्ड थी। तो जो पूरे भारत में व्यापारिक अनुमति प्रदान की गई थी या छूट दी गई थी, उसी को कंपनी के इतिहास का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा गया। ये थे हम लोगों ने पढ़ा जो है, डेट बहुत जरूरी है, अंग्रेजों के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद का जो टॉपिक बचा है उन दोनों टॉपिक को साथ में रखेंगे, जिसमें हमारे डेन, डेनिस, डेनमार्क या फ्रांसीसी आएंगे। ये वीडियो आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जो पीछे जिन लोगों का छूटा हुआ है तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी जो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस अपने और बहुत ज्यादा है, हर टॉपिक को हम सोचेंगे एक वीडियो में 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट जो भी वीडियो होता है वैसे ही डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।